हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों ने हमारे काउंटर पार्ट डॉक्टर साहब के चैनल को सब्सक्राइब किया और आज आप लोगों की डिमांड पे उन्होंने कोविड पे कंप्लीट रिपोर्ट एक वीडियो बनाया है। बहुत ही एसेंशियल वीडियो है। आप में से आई होप बहुत लोगों ने देख भी लिया है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कंप्लीट रिपोर्ट कोविड पे जो इस समय हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं तो उस पर आप जानकारी हासिल करिए। कुछ आप लोग जानकारी देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और कुछ जानना चाहते हैं वो भी लिखिए, ठीक है। और अपकमिंग उनके वीडियोस जोड़ों के दर्द से, कमर के दर्द से, गठिया रिलेटेड, ACL रिपेयर्स, मेनिस्कल टेयर्स, मेनिस्कल रिपेयर आदि पे उनके वीडियोस रहेंगे। सो बिल्कुल जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बिल्कुल ऐसे चैनल्स जो दूसरों को भी हेल्प करें आपकी कम्युनिटी में, जैसे आपके रिलेटिव्स हैं जो कि इस वक्त इस तरह की जॉइंट्स प्रॉब्लम हुई, बोन प्रॉब्लम्स हुई, कमर दर्द, जोड़ दर्द, गठिया आदि से ग्रसित हैं, उनको इस प्रकार के वीडियोस शेयर करके भी आप लोग सोल पर्पस कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने चैनल की। कल काउंसलिंग में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया था जो कि आई थिंक मेरे एक डेढ़ साल की जर्नी में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि क्या ट्विन फ्लेम से हमारे कर्मा कनेक्टेड होते हैं। और इस पर हमारा कल आई एम स्टक सीजन पे हमारी उनसे टॉक हुई थी। सो मुझे लगा कि इस टॉपिक को मुझे यहाँ भी कवर करना चाहिए। सो आज हम बात करते हैं कि क्या आपके ट्विन से आपके कर्मा जुड़े होते हैं। इसके पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं अबाउट कुछ मिसकंसेप्ट अबाउट दिस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, जिसको हम रिलेशनशिप तो कहेंगे नहीं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहेंगे। दोस्तों डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ट्विन फ्लेम इज योर ट्विन सोल, योर काउंटर पार्ट, योर ट्विन फ्लेम इज अ कनेक्शन। बिकॉज ये कनेक्शन इस 3D प्लैनेट पे आके नहीं बना है, ये जब आप वहाँ पर स्प्लिट हो रहे थे तो यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड और फिर बाद में आप स्प्लिट हुए हो। तो ये सोल का कनेक्शन है, ये अर्थली कनेक्शन नहीं है। तो जो अर्थली होता है वो रिलेशनशिप होता है, जो ऑलरेडी आपकी आत्मा का हिस्सा होता है वो कनेक्शन होता है, जो ऑलरेडी इंकार्नेशन के पहले से ही आपसे जुड़ा हुआ था। सो डेफिनेटली आपको सबको पता है कि इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन, देर इज अ मैग्नेटिक पुल, इंटेंस पुल बिटवीन दिस कनेक्शन, राइट। सो अगर ये एक कनेक्शन है तो इस कनेक्शन को हम कोई टैग नहीं दे सकते हैं, नो टैग, नो टैग ऑफ रिलेशनशिप ऑफ, नो टैग ऑफ रोमांस, नो टैग ऑफ हस्बैंड, नो टैग ऑफ बॉयफ्रेंड। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग से ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन के जो टैग्स आपने लगाए हैं कि क्या मेरी शादी होगी, क्या वो मेरा हस्बैंड बनेगा, क्या वो मेरा बॉयफ्रेंड रहेगा, क्या हम लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं, किसी भी टैग को आपको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई टैग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई टैग होता ही नहीं है आपके बीच में, राइट। जो भी चीज़ जोड़ी जाए, जैसे मैंने पहले बताया शादी हुई, अदर रिलेशन, सब 3D में जो जोड़ा जाता है वो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। पर हमारे ट्विन्स कभी इस रिलेशनशिप में नहीं जाने आते क्योंकि आप मैरिज के पहले, क्या आप तो इस दुनिया में आने से पहले ही जुड़े हुए थे, सो यू आर कॉस्मिक पार्टनर्स, राइट। यस, अब मैं कहूँगी कि आफ्टर द यूनियन यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप, कि भाई अगर देखिए यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका पर्सन कि किसी और से शादी नहीं हुई है या आपकी किसी और से शादी नहीं हुई है या आपके आपने भी डिवोर्स ले लिया और आपके पर्सन ने भी डिवोर्स ले लिया, ठीक है, या कोई भी सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई कि अब आप दोनों ही सिंगल हो और आप यूनियन में हो, तो आप उस कनेक्शन को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो। या यही पॉसिबल है कि सपोज कि दो कनेक्शंस, दो ट्विन्स
भगवान ने पहले रिलेशनशिप में डाल दिया और बाद में उनका सेपरेशन करके उनकी अवेकनिंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया, ठीक है। तो देर इज पॉसिबिलिटी दैट दिस कनेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिलेशनशिप, ठीक है। बट रिलेशनशिप, बट हम इसको अगर हम डायरेक्टली किसी रिलेशनशिप में खुद खोकर कन्वर्ट करना चाहें कि भाई उसकी शादी हो गई तो अपनी वाइफ को छोड़ के आपके पास आ जाए, या कॉन्शियसली एक रिलेशनशिप में बंधना चाहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये चीज़ डिवाइन ने ऑलरेडी आपके लिए प्लान की हुई है कि आप एक कनेक्शन में ही रहोगे या आप एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगे। आपकी क्या डेस्टिनी है, आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इट हैज़ बीन प्री डिसाइडेड, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप इनर वर्क ही नहीं करोगे, आप जर्नी को बीच में छोड़ दोगे या आप जर्नी के लिए लापरवाह होगे, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, बट आपकी जर्नी कैंसिल नहीं हो सकती। तो इसीलिए यू मस्ट नो कि जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हो, ठीक है, जिसमें आप कोई टैग डाला हुआ है बॉयफ्रेंड का या रोमांस का, वो पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे सकता। दैट इज़ द रीज़न कि हम ट्विन फ्लेम्स को सोलमेट स्टफ नहीं मानते हैं। वो कभी अपना कंधा आपको रोने के लिए नहीं देगा, वो कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं देगा, वो आपको बॉलीवुड मूवी की तरह आपको टेडी बियर एंड चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स नहीं देने वाला है, वो आपको सिर्फ ट्रिगर देगा। ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका काउंटर ट्विन आपको सिर्फ ट्रिगर देगा, नो गिफ्ट्स, नो चॉकलेट्स, नो टेडी, नो इमोशनल सपोर्ट, नो शोल्डर टू क्राई, ओनली ट्रिगर, ट्रिगर एंड टेस्ट टू गिव यू, टू इवॉल्व यू, टू मेक यू लर्न द लेसन। सो ये डिफरेंस है एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में, ठीक है। अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि कार्मा जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते, तो सीधा जवाब है कि नहीं होता है ट्विन फ्लेम में कोई कार्मा, बिकॉज आप कर्म से नहीं जुड़े हो, आप एक ऑलरेडी एक वन सोल हो, यू आर ऑलरेडी वन सोल इन टू बॉडी, तो हाउ कम आपका कर्मा इनसे जुड़ा हुआ हो, राइट। इसीलिए जब आप अपना कर्मा, क्यों कहते हैं कि आपका जब कर्मा क्लियर होगा तभी वो आपके पास आएगा, क्योंकि अगर सपोज इस लाइफ में आप किसी के साथ आपका कर्मा है या आपके ट्विन का किसी के साथ कर्मा है, तो वो अपना अपना कर्मा क्लियर करके ही इस फिजिकल प्लेन पे फिजिकली यूनियन में आ सकते हैं, परमानेंट यूनियन में। हार्मोनियस यूनियन तो होना ही है, 100% गारंटीड होना है, बिल्कुल होना है, उसकी तो मैं गारंटी आपको अपने फर्स्ट वीडियो से दे रही हूँ। बट फिजिकल यूनियन, इसको कहते हैं हम कि आपके ग्राउंड लेवल पे यूनियन, आपका परमानेंट यूनियन, वो डिपेंड करता है कि आपका किसी अदर से कार्मा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सपोज कि आपका आपके पर्सन से हार्मोनियस यूनियन हो गया, राइट, बट फिर भी आपकी शादी किसी और से तय हो गई, फॉर एग्जाम्पल, तो क्योंकि आपको नहीं पता बट आपका एक अननोन कार्मा किसी थर्ड पार्टी के साथ था, तो आपको उस शादी में जाना पड़ा। क्यों ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन तो शादी कर लेते हैं और आप लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही करते रहते हो, क्योंकि इन द मीन टाइम उनको भी वहाँ कार्मा क्लियर करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्मा आपके पर्सन और आपके बीच में नहीं है, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड बिकॉज यू आर वन सोल, यू आर वन सोल इन टू बॉडी, राइट। तो आपका कार्मा कैसे हो सकता है एक दूसरे के लिए, बट यस, आपका कार्मा थर्ड पार्टीज में हो सकता है, बाकियों के लिए हो सकता है, अदर्स के लिए हो सकता है। इसीलिए समटाइम्स आप लोगों को कहा जाता है कार्मा क्लियरेंस करो, कार्मा रिलीज फॉर द मल्टीपल लाइफ टाइम्स, कार्मा रिलीज एट सेलुलर लेवल, जिससे कि आप कार्मा रिलीज करके अपनी फिजिकल यूनियन को, परमानेंट यूनियन को ग्राउंडेड, ग्राउंडिंग कर सकते हो, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो पार्टनर होता है, योर ट्विन फ्लेम, योर काउंटर पार्ट इज योर स्पिरिचुअल पार्टनर,
ठीक है, टू टीच यू ह्यूमैनिटी एंड लेट यू कम आउट ऑफ इल्यूजन ऑफ रोमांस एंड सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम्स एंड मैरिज एंड रोमांस एवरीथिंग. ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक कन्वेंशनल रिलेशनशिप नहीं है. दिस इज दिस पर्सन दिस लाइक योर काउंटर पार्ट योर काउंटर सोल कम इन योर लाइफ ओनली टू इवॉल्व योर सोल एंड आप दोनों एक दूसरे को असिस्ट करते हो उस जर्नी पे, राइट. एक बार आप इवॉल्व होते हो फिर ग्रेजुअली आप बात करते करते इन हारमोनियस यूनियन आप बात करते करते आप भी उनको समझाते हो अबाउट द कर्मा अबाउट द नेगेटिविटी अबाउट द गॉड अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, तो ये असिस्टेंस एक दूसरे को इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी आप लोगों को ठीक से नहीं पता है. इस पर मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि हाउ यू कैन असिस्ट योर पार्टनर आफ्टर योर मिनी यूनियन पार्शल यूनियन और आफ्टर योर हारमोनियस यूनियन. ठीक, दोस्तों का ध्यान रखिए. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी माई नेक्स्ट अपडेट्स. गॉड ब्लेस यू.